यही सवाल पूछता हूं कि युवा के हिस्से का मुद्दा क्या है? युवा का पहला उसका रोजगार, जो सरकार हम लोग को रोजगार देगा उस पक्ष में वोट करेंगे। कोई पार्टी, दल, सरकार, नेता अपने भाषणों में आप लोगों के हिस्से की बात करता दिखाई देता है? अभी तक तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया है, दूर दूर तक नहीं, जहाँ तक गरीब से अमीर तक बच्चा एक ग्रुप डी में हर एक साल जाता था, ग्रुप डी दूर दूर तक नजर नहीं आया सर। ग्रुप डी चला गया, एनटीपीसी चला गया, जहाँ 1 लाख बहाल लेता था सर, वहाँ कितना बहाल आया? अभी 8-10 हज़ार आया था। क्या उसी आशा करेंगे हम लोग? हम दिन रात मेहनत करके जब सीट देखते हैं ना तो हम लोग को शोक में पड़ जाते हैं। क्या हुआ सरकार, इतना जनसंख्या, इतना बेरोजगारी पर एक साल में इंटर मैट्रिक करके 2 लाख बच्चा क्लियर करता है। हम लोग का 2014 में इंटर किए है, अभी तक हमें कोई रोजगार नहीं है, जो कि दिन रात मेहनत किए है। एक चीज और बताओ, मैं जब बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूमा गया तो मुझे एक चीज, एक समस्या लोगों ने और बताई, खासतौर पर युवाओं ने। जैसे आपने 2014 में इंटर किया, हाथ में सर्टिफिकेट कौन से साल में आया? इंटर का 14 में आया। 14 में आ गया, आप क्यों हंसी? क्योंकि ग्रेजुएशन का ये बहुत बुरा हाल होता है। डिग्री है 3 साल का, लेकिन ना एग्जाम होता है प्रॉपर 1 साल में, ना ही डिग्री आता है। चलो आप किस्मती हो, सच बताऊं मुझे अब तक जितने बच्चे मिले उनमें से 2 ही ऐसे मिले, आप एक मिले हैं, और एक मुझे सारण में एक लड़का मिला था जिसका 3 साल का डिग्री 3 साल में हाथ में था, वरना 3 साल की पढ़ाई मुझे लोगों ने बता। इंटर पूछ दिए थे आप, अभी जो है ना इंटर पूछे थे उससे, ठीक है? हाँ, हमारी गलती हो गई। हाँ, अब ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन देखिए उसे 3 साल का होता है, उसे ग्रेजुएशन 5 साल लगा था। ये खुश होना शुरू हुई क्या मुद्दे पर? ये तो बिहार है, 5 साल लगा देगा, सेशन चलेगा तो 2 साल। जैसे पीजी होता है 20-22 सेशन हुआ मेरा होता है, वो 20-24-25 लगा देगा, हर एक एक बैग चलेगा, बैग चलेगा, क्या कीजिएगा, मजबूरी है ना। इस पीजी चलते मेरा 11-12 छूट गया था, स्टेट हम क्वाल 9-10 स्पीड हम पास थे, मेरा पीजी के लिए रिजल्ट नहीं दिया था, अब उसे जैसे फॉर्म खत्म हुआ रिजल्ट दे दिया, क्या करे, माथा मोड़ना पड़ा। अगर पीजी का रिजल्ट दे देता हम फाइट करते, हम 11-12 मास्टर बन जाते। बताओ, वोट का दौर है, सियासत खूब है, वोट देने जाने से पहले आप लोग क्या सोचते हो? और हम इसको इसलिए भी समझना चाह रहे हैं क्योंकि हमको लोग बोले कि देखो वोटर ना बट जाता है, कोई बिरादरी में बट जाता है, कोई कहीं बट जाता है, क्या युवा एक मुश्त होकर एक साथ होकर अपना मुद्दा सोच पाता है या वो बट ही जाता है? आप जो युवा है ना सिर्फ रोजगार दिखता है, जो सर 17 साल में नहीं किया है वो सरकार 17 महीना करके दिखा दिया है, सिर्फ रोजगार। जो मुख्यमंत्री कहता है कहाँ से रोजगार देगा, उसी मुख्यमंत्री से हमारे भविष्य मुख्यमंत्री तेजस्वी 2.5 लाख पत्र बट भैया गांधी मैदान में जाकर के रोजगार दीजिए भाई, रोजगार आप खोजिएगा तबे ना। तो युवा सोच रहा है उस बारे में ना? सोच रहा है, युवा जाग चुका है, अब इधर उधर युवा नहीं भटकेगा। जो युवा जागरूक हो, जो अपने लक्ष्य के लिए और चल रहा है रोजगार के लिए, वो अपने रोजगार जो सरकार देगा उसी को वोट करेगा। जैसे मैं आ रहा हूँ, जैसे अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।